देश के सबसे महत्वपूर्ण स्थल नोएडा में इस निवेश को मूर्त रूप देने जा रहा है। हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश भारत का न केवल आबादी की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, अपितु देश के सबसे अधिक युवा भी उत्तर प्रदेश में हैं और देश का सबसे बड़ा मार्केट भी अपने आप में उत्तर प्रदेश है। भारत के अंदर निवेश की जो सबसे अधिक संभावना वाला क्षेत्र है वह नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी क्षेत्र में दुनिया के सबसे अच्छे निवेश के लिए हमारे पास निरंतर प्रस्ताव आ रहे हैं। जब पूरी दुनिया कोविड-19 से जूझ रही थी उस समय हम लोगों ने न केवल आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ की आबादी को कोविड-19 के संक्रमण से बचाने में बल्कि प्रदेश के अंदर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी मजबूत करने में जहां सफलता अर्जित की, वहीं साथ ही साथ उत्तर प्रदेश ने बड़े पैमाने पर न केवल प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में बल्कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश को भी आमंत्रित करने में सफलता प्राप्त की। जो कुछ बड़े निवेश इस दौरान वहां पर हुए हैं इसमें डाटा सेंटर की स्थापना के साथ ही देश का पहला डिस्प्ले यूनिट भी हमारे इस क्षेत्र में तेजी के साथ उनकी स्थापना का कार्य आगे बढ़ रहा है और मुझे प्रसन्नता है कि आज मेसर्स आईकिया का यह निवेश भी यहां पर मूर्त रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि हमारी अपनी बहुत पारदर्शी और व्यवस्थित नीतियां प्रदेश शासन की हैं जिससे किसी भी निवेशक को किसी भी प्रकार की कोई समस्या प्रदेश के अंदर निवेश करने में न हो। और प्रदेश के अंदर हम लोग न केवल निवेश परक और रोजगार उन्मुखी उद्यमों की स्थापना की दिशा में मजबूती से कदम उठा सकें बल्कि अधिक से अधिक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को भी आकर्षित कर सकें। इस दृष्टि से प्रदेश सरकार के द्वारा बनाई गई नीतियां और प्रदेश सरकार के द्वारा उठाए गए कदम जहां बहुत प्रभावी ढंग से आगे बढ़ रहे हैं, वहीं साथ ही साथ आज का यह अवसर हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आईकिया अपने आप में एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसका महिला सशक्तिकरण, बाल विकास सहित सामाजिक योजनाओं के क्षेत्र में भी इन्हें महारत हासिल है और मुझे प्रसन्नता है कि लगभग 5500 करोड़ रुपए के निवेश के साथ लगभग 850 करोड़ रुपए की लागत से भूमि संबंधी नोएडा की भूमि हस्तांतरण से संबंधित जो कार्रवाई इसके साथ ही प्रारंभ हो रही है यह प्रदेश के अंदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोजगार की संभावनाओं को भी आगे बढ़ाने में काफी बड़ी मदद करेगा। आईकिया जन सामान्य के लिए
इस क्षेत्र में न केवल शॉपिंग मॉल, होटल, ऑफिस, रिटेल आउटलेट आदि के निर्माण की कार्रवाई एक समय सीमा के अंदर करेगा, बल्कि आने वाले समय में यहां प्रदेश के अन्य शहरों में भी निवेश की संभावनाओं को आगे बढ़ाने में भी अपना योगदान देगा। मैं एक बार फिर से आईकिया ग्रुप से जुड़े हुए सभी अधिकारियों को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि आपका जो निवेश है यह आईकिया के लिए एक सुनहरा अवसर होगा, क्योंकि यह निवेश ऐसे क्षेत्र में हो रहा है जहां पर पहले से ही हम एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट जेवर इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण की कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारी एक नई फिल्म सिटी यमुना अथॉरिटी में प्रस्तावित है और भी तमाम प्रकार के निवेश उस क्षेत्र में तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं और मुझे विश्वास है कि आईकिया अपने इस निवेश के माध्यम से देश के सबसे बड़े बाजार में भी प्रवेश करने के साथ ही उन्हें अपने इस निर्णय पर गौरव की अनुभूति होगी कि उन्होंने नोएडा में किए हुए इस निवेश के माध्यम से जो निर्णय लिया, जिसके लिए प्रदेश सरकार और हमारे औद्योगिक विकास विभाग के द्वारा उनसे बार बार और बहुत समय से जिस बात के लिए एक संवाद बनाया गया था, उन्हें स्वयं अपने इस निर्णय पर आने वाले समय में गौरव की अनुभूति होगी कि उनका जो निवेश है एक अच्छे स्थल पर और उनके स्वयं के निवेश को कई गुना बढ़ोतरी करने में एक निर्णायक साबित होगा। एक बार फिर से मैं नोएडा अथॉरिटी को और आईकिया को इस एमओयू के लिए हृदय से बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि हमारी अथॉरिटी भी समयबद्ध ढंग से निवेशकों के विश्वास को मजबूती के साथ बनाए रखने के साथ ही कार्य करेगा और आईकिया जैसी संस्थाएं उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश को सबसे अच्छे गंतव्य के रूप में चुनते हुए और भी अधिक निवेश न केवल एनसीआर रीजन में बल्कि प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी सहज रूप से करने के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।